तृतीयायुक्त गणेश चतुर्थी पर सोमवार को गणेश मंदिरों में विविध अनुष्ठान हुए। विघ्नहर्ता के दरबार में मनोकामनाएं व्यक्त करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ रही। सभी प्रमुख गणेश मंदिरों में श्रृंगार किए गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। सोनारपुर स्थित चिंतामणि गणेश मंदिर में सोमवार को हरियाली, श्रृंगार एवं बर्फ विहार की झांकी सजी। मंदिर में दिन में 8 बजे विशेष पूजन हुआ। 51 किलो लड्डू और 56 भोग अर्पित हुए। शाम 6 बजे से झांकी के दर्शन प्रारंभ हुए। महंत चल्ला सुब्बारा और शास्त्री के सानिध्य में भजन संध्या हुई, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। मान्यता है कि चिंतामणि गणेश श्री काशी विश्वनाथ तक की चिंता हरते हैं, ऐसे में यह वर्ष पर्यंत भक्तों की भारी भीड़ होती है। मंदिर के महंत बताते हैं कि यह इकलौता मंदिर है जहां गणेश जी सपरिवार निवास करते हैं। ऊपर शुभ लाभ तो नीचे रिद्धि सिद्धि है, अष्टभुजा का विग्रह भी है। सबसे महत्वपूर्ण यह कि यह मंदिर और गणेश जी की प्रतिमा दक्षिणामुखी है, ऐसे में इन गणेश जी का महत्व कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। बताया जाता है कि जब कोई दुख दरिद्र से त्रस्त हो जाता है, चिंताओं से घिरा रहता है, तो इन गणेश जी की 40 दिन तक लगातार पूजा करने से उसकी सारी चिंताएँ दूर होती हैं। इसी क्रम में दुर्गा मंदिर के पास स्थित दुर्ग विनायक गणेश मंदिर में भी बड़े धूमधाम के साथ गणेश उत्सव मनाया गया। मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया। लोग कतारबद्ध होकर भगवान गणेश का दर्शन पूजन कर रहे थे। दुर्ग विनायक गणेश मंदिर में गणेश उत्सव के दौरान केक भी काटा गया। गणेश मंदिर के महंत अनुराग मिश्रा ने बताया कि गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लोग सुबह से दर्शन पूजन कर रहे हैं। सुबह से ही भगवान गणेश का विधि विधान के साथ स्नान, पंचामृत स्नान, आरती कर नवीन वस्त्र पहनाए गए हैं।